जनपद अल्मोड़ा के एसएसजे परिसर में मुख्य परीक्षाओं के दौरान नकल का मामला सामने आया है। बता दें कि परीक्षा के लिए गठित जांच टीम ने 8 छात्र छात्राओं को नकल करते हुए पकड़ा है, जिसके बाद इन छात्राओं को यहां पर उत्तर पुस्तिकाओं को यहां पर सील कर दिया गया और विश्वविद्यालय प्रशासन को भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए छात्रों में बीए प्रथम सेमेस्टर के 4, एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर के 3 और बीकॉम तृतीय सेमेस्टर का 1 छात्र शामिल है। इसी को लेकर परिसर निदेशक प्रोफेसर पीएस विष्ट ने यह बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को सील कर वीवी प्रशासन को भेज दिया गया है, जहां पर इस पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की खास रिपोर्ट। दो पालियों में जो है शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय की परीक्षाएं परिसर में चल रही हैं और उसमें अभी तक जो है दोनों पालियों में बिल्कुल मिला के 8 परीक्षार्थी जो है नकल करते हुए पकड़े गए हैं और परिसर ने अब अपना जो है नकल विहीन परीक्षा काल के लिए पूरा अपना जोर लगा रखा है और जो हमारे आंतरिक उड़न दस्ते हैं वो बच्चों की सघन तलाशी हर पाली में ले रहे हैं। नकल करने वाले छात्रों पर क्या कार्रवाई है? नकल करने वालों का जो नकल के जो अधिनियम है विश्वविद्यालय का, उस नियम के अंतर्गत जिस धारा में भी वो उनका केस होगा उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी।